गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर, तो आप भी अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालिए और उसमें देख लीजिए कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आप भी बुक खोलिए अपनी। तो देखिए, इसमें हमने लास्ट जो पढ़ा था, लास्ट वीक हमने पढ़ा था इसमें लेसन नंबर 6, जो कि है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं ए, एन, द। ए एन होता है, एन, ठीक है। टी एच ई द, तो आप देख भी रहे हैं, ए कॉमा ए एन, एन कॉमा टी एच ई द। तो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, ठीक है। आगे बढ़िए, इसमें आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। फर्स्ट है आई एट डैश एप्पल, सेकेंड है आई वॉन्ट टू ईट डैश मैंगो, थर्ड है कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, फोर्थ है सचिन इज डैश ऑनरेबल मैन, फिफ्थ है रोजी हैज डैश अम्ब्रेला। तो इसमें हमने आर्टिकल लिखने हैं, या तो ए आएगा या फिर एन आएगा। तो आप इसमें देख लीजिए, नोटबुक में देख लीजिए इसको। ये देखिए, सबसे पहला काम आपका है डेट डालने का, 18 सितंबर 2020। लेसन का नाम है आर्टिकल्स। हम कर रहे हैं पार्ट ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। देखिए, फर्स्ट देखिए, आई एट डैश एप्पल, तो एप्पल के साथ क्या आता है? एप्पल क्या है? वॉवल है, तो एप्पल के साथ आता है एन, तो हम लिख देंगे आई एट एन एप्पल, उसके नीचे हम कर देंगे अंडरलाइन। सेकंड देखिए, आई वॉन्ट टू ईट डैश मैंगो, तो यहाँ पे आएगा अ। थर्ड देखिए, कॉपर इज अ, यहाँ पे ए आएगा, यूजफुल मेटल। सचिन इज डैश ऑनरेबल मैन, तो वैसे एच जो है वो वॉवल नहीं है, लेकिन एच की ऑनरेबल की साउंड क्या है? ओ है। हम हॉनरेबल नहीं बोलते हैं, अगर हम हॉनरेबल बोलते तो यहाँ पे ए आता, लेकिन इसको पढ़ा जाता है ऑनरेबल, तो साउंड किसकी आती है? ओ की, तो इसलिए इसके साथ आएगा एन, ठीक है। तो सचिन इज एन ऑनरेबल मैन। फिफ्थ देखिए, रोजी हैज डैश अम्ब्रेला, यू क्या है? यू वॉवल है, तो वॉवल के साथ हमेशा क्या लगता है? वॉवल के साथ हमेशा एन लगता है, तो यहाँ पे आएगा एन, रोजी हैज एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ इतना ही आपको करवा रही हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट डे इसमें आगे बढ़ेंगे और इस में जो भी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको अपनी कॉपी में अच्छी सी हैंड राइटिंग में करिएगा और इसको समझिएगा भी, समझ समझ के इसको आप करिएगा, ओके।